हातिम को मुसीबत में देखो, वो कहता है हातिम तो मुसीबत में फंस गया है बाबा। तभी बाबा कहते हैं अगर शैतान हातिम की आत्मा को ले गया फिर हम कुछ भी नहीं कर सकते। तभी होबो कहता है नहीं बाबा, कुछ तो करना होगा। तभी अचानक नाजिरा के आंसू से बना हुआ मोती चमकने लगता है, जो कि नाजिरा हातिम को देते वक्त कही थी, इसे अपने पास रख लो, कभी ना कभी ये तुम्हारे काम जरूर आएगी। तभी होबो उस मोती को उठाते हैं। मोती को उठाते ही मोती से एक चमकदार प्रकाश उत्पन्न होती है, जिसकी शक्तियों की मदद से कैद का दरवाजा खुल जाता है। तभी होबो कहते हैं शुक्रिया नाजिरा, तुम्हारा शुक्रिया। और होबो कहता है दुश्मनों की चाल का जवाब देने के लिए हमें भी एक चाल चलनी होगी, होबो की चाल। वहीं दूसरी तरफ हातिम जंजीरों में बंधे होते हैं। तभी अचानक वहां मोती की चमकती हुई ताकत आती है। उसके बाद वहां एक तेज प्रकाश उत्पन्न होता है, जो प्रकाश हाथी पर बड़ी तेजी के साथ पड़ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ दज्जाल, नजूमी और अकरम हातिम की तरफ आ रहे होते हैं और वह चलकर हातिम के पास आते हैं, जो कि दज्जाल के अंदर वह शैतानी साये समाये होते हैं। तभी दज्जाल अपने शैतानों को बुलाता है और कहता है हे मौत, हे अंधेरों के मालिक, ऐ शैतानी ताकतें, ये जादूगर बादशाह दज्जाल आज हातिम की आत्मा को तुम्हारे हवाले कर रहा है। इसकी आत्मा हमेशा शैतानी आग के शोले में जलनी और तड़पती रहनी चाहिए, फिर कभी इसके जिस्म में वापस नहीं आनी चाहिए। तभी वहाँ वह शैतान प्रकट होता है और दज्जाल कहता है तू इसे कबूल कर अपने शैतानियत का हिस्सा बना। तभी दज्जाल अपनी शक्तियों की मदद से हातिम के शरीर से उसकी आत्मा को निकालता है। तभी देखते ही देखते वह शैतान हातिम के शरीर से उनकी आत्मा को निकाल कर अपने अंदर समा लेता है। तभी हातिम के शरीर से उनकी आत्मा निकलते ही दज्जाल कमजोर पड़ने लगता है। तभी नजूमी जाकर हातिम को देखता है तो वह पाता है कि हातिम की आत्मा शैतानी आग में समा चुकी होती है। यह देखकर वे तीनों बहुत खुश होते हैं कि हातिम हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया, हमेशा हमेशा के लिए। तभी हातिम अकरम को उनके भाई का संगीत सुनाई देता है। तभी दज्जाल जाकर देखता है तो पाता है कि सच में अकरम का भाई अपना संगीत बजाता हुआ आ रहा होता है और उनके साथ ही होबो और बैरंगा के जंगल के बादशाह का अंगरक्षक भी होता है। तभी देखते ही देखते अचानक उनके पीछे हातिम भी आते हैं। तभी अचानक उस जंजीर में कैद हातिम मीका के रूप में बदल जाता है, क्योंकि वह हातिम नहीं बल्कि मीका ही था, जिसकी आत्मा शैतानी आग में जा चुकी थी। तभी हातिम तलवार लेकर दज्जाल की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन हातिम को जिंदा देखकर वे सभी घबरा जाते हैं। तभी दज्जाल कहता है हातिम आज या तो तू रहेगा या फिर मैं। तभी दज्जाल अपने शैतानी ताकतों से हातिम पर वार करता है, लेकिन हातिम उसके हर वार को अपने तलवार की मदद से रोक देते हैं। तभी दज्जाल लगातार कई बार हातिम पर वार करता है और हातिम हर बार उसके वार से बच जाते हैं। तभी नजूमी दज्जाल के पास जाता है और कहता है दज्जाल तुझमें इतनी ताकत नहीं है, इसलिए तुम इस वक्त हातिम का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हातिम समझकर उन्होंने जो मीका के शरीर से उनकी आत्मा निकाली थी इससे दज्जाल की ताकत कम हो गई थी। तभी अचानक हातिम और दज्जाल एक दूसरे पर भयंकर खतरनाक वार कर रहे होते हैं। तभी हातिम जैसे ही दज्जाल पर वार करने वाले होते हैं तभी नजूमी दज्जाल को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ अकेला बसता है अकरब। तभी अकरब कहता है नहीं हातिम। तभी वहाँ अकरब के शैतानी बच्चे आते हैं। तभी अकरब कहता है तुम लोग सही वक्त पर आए हो, इस हातिम को खत्म कर दो। तभी अकरब का भाई अपने संगीत के धुन से उन सभी बच्चों को सम्मोहन से आजाद कर देता है और वे सभी बच्चे अकरब पर ही तलवार उठा लेते हैं। तभी हातिम अकरब की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी अकरब वहाँ से भागता है। तभी देखते ही देखते हातिम होबो और वे सभी बच्चे अकरब को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी अकरब हातिम से विनती करता है कि हातिम मुझे छोड़ दो। तभी हातिम कहते हैं तुम्हें तुम्हारी पाप की सजा भुगतनी होगी। तभी अकरब हातिम से माफ़ी मांगता है कि हातिम मुझे छोड़ दो। तभी हातिम कहते हैं रहम अकरब रहम, बच्चे ने भी तुम्हारे सामने गिड़गिड़ाया होगा मगर तुमने उन पर जरा भी रहम नहीं किया, फिर तुम मुझ पर रहम की उम्मीद कैसे कर सकते हो। तभी हातिम अकरब को उसी कांच की दीवार में कैद कर देते हैं जहाँ पर वह सभी बच्चों को कैद करके उन्हें शैतान बना देता था और अपना गुलाम बना लेता था। तभी अकरब का भाई हुमास वही धुन बजाता है जिससे वह सभी बच्चों को शैतान बना रहा था, उन्हें अपना गुलाम बना रहा था। तभी हुमान वही धुन बजाकर अकरब को अपने बस में कर लेता है और वह पूरी तरह से हातिम और हुमार का गुलाम बन जाता है। उसके बाद वह उन सबका गुलाम बनने के बाद वह कांच की दीवार से बाहर निकलता है। उसके बाद अकरब हुमास से कहता है आका आपका गुलाम हाजिर है हुकुम। तभी हातिम कहते हैं दूसरों को गुलाम बनाने वाला आज खुद गुलाम बन गया है। तभी हुमान कहते हैं हाँ हातिम, इसी को कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तभी हातिम कहते हैं जैसी करनी वैसी भरनी। तभी वहाँ होबो आते हैं और हातिम कहते हैं होबो हमें हमारे तीसरे सवाल का जवाब मिल गया, जो जैसा करता है वैसा भरता है।
भला करेगा तो भला होगा और बुरा करेगा तो बुरा होगा। उसके बाद वे सभी बच्चे ठीक हो जाते हैं। उसके बाद वे गांव वाले अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश होते हैं और साथ ही सारा जंगल पहले की तरह हरा भरा हो जाता है। उसके बाद वहाँ बादशाह हुमान को वहाँ का बादशाह बनाया जाता है। उसके बाद हातिम वहाँ से जाने का इजाज़त मांगते हैं। तभी वहाँ बैरंगा जंगल की महारानी आती हैं और कहती हैं, हातिम इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, अपना अगला सवाल नहीं सुनोगे? और महारानी कहती हैं, होबो तुम इसे पहचानते हो? तभी होबो कहता है, यह तो बारह कुंजा परिंदे का है, यह तो कोपा टूपा में मिलता है। तभी महारानी कहती हैं, कोपा टूपा जो तुम्हारा देश है, जो तुम्हारा वतन है, अब तुम्हें वहाँ जाकर अपने अगले सवाल का रास्ता मालूम करने के लिए जाना पड़ेगा। तभी हाथी पूछते हैं, मगर हमारा अगला सवाल क्या है? तभी आसमान से आवाज आती है, बोलते हुए पहाड़ कोहिनीदा की खबर लाओ। तभी होबो कहता है, हातिम तो चले मेरे देश कोपा टूपा। वही दूसरी तरफ दज्जाल नजूमी को सजा दे रहा होता है और कहता है, आज तुम्हारी वजह से मुझे हार का सामना करना पड़ा नजूमी, अगर तुम बीच में नहीं आते तो मैं कब का ही हातिम को मार चुका होता। तभी नजूमी कहता है, देखिए जादूगर बादशाह, उस वक्त आपकी ताकत कमजोर थी, आप उस वक्त हातिम से जीत नहीं सकते थे, इसलिए। तभी दज्जाल कहता है, मैं जफ्फार का बादशाह दज्जाल हूँ, जिसके नाम पर बड़े बड़े शैतान हुकूमतें कांपते हैं। मेरी ताकत किसी भी वक्त एक पल के लिए भी कम नहीं हो सकती। मैं किसी भी हालात में हातिम को 7 सवालों का जवाब ढूंढने नहीं दूंगा, मैं उसे खत्म कर दूंगा और सुनैना से शादी करके अपने मकसद को पूरा करूंगा। वही दूसरी तरफ दुर्गापुर में हातिम के तीसरे सवाल मिलने के बाद सूरज का दाहिना हाथ भी ठीक हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ परिस्तान में होबो जाकर जैस्मिन को बताते हैं कि जैस्मिन मुझे पता है कि तुम हातिम के ख्यालों में डूबी हुई हो, हातिम से मिलने के लिए अब तुम्हें इतना लंबा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, तुम चाहो तो हातिम से बहुत जल्द मिल सकती हो। तभी जैस्मिन कहती हैं, हातिम से कब और कहां और कैसे मिल सकती हूं? तभी होबो बताता है कि हम चौथे सवाल के जवाब के लिए जिस जगह जा रहे हैं उसके रास्ते में कोपा टूपा आता है, कोपा टूपा मेरा देश, तुम क्यों न वहाँ आ जाओ, जैस्मिन बहुत मजा आएगा, हम कितने सालों बाद कोपा टूपा में मिलेंगे, मैं तुम और हातिम। तभी जैस्मिन कहती हैं, यह तो बहुत ही अच्छी बात है और यह बात हातिम को नहीं पता चलनी चाहिए कि मैं कोपा टूपा आ रही हूँ, मैं वहाँ अचानक आकर हातिम को चौंकाना चाहती हूँ। तभी होबो कहते हैं, मैं वादा करता हूँ कि मैं हातिम को कुछ भी नहीं बताऊँगा। उसके बाद होबो वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ नजूमी दज्जाल को जैस्मिन के बारे में सारी बातें बताता है। वहीं दूसरी तरफ हातिम और होबो कोपा टूपा पहुँच जाते हैं। तभी कोपा टूपा पहुँचने पर होबो बहुत खुश होते हैं, जहाँ पर सभी कोपा टूपा वाले होते हैं, जिनके कान होबो की तरह लंबे लंबे होते हैं, जो कि कोपा टूपा बहुत ही खूबसूरत था। तभी होबो अपने साथियों अपने दोस्तों से मिलते हैं और उन सबसे मिलकर बहुत खुश होते हैं और वे लोग भी होबो से मिलकर बहुत खुश होते हैं। तभी होबो बताते हैं कि आज कोपा टूपा में नया साल है। तभी होबो से उनकी बचपन की सहेलियाँ मिलती हैं, उनके दोस्त मिलते हैं। तभी वे लोग कहते हैं, होबो तुम तो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हो, बेचारी टुनकी आज भी तुम्हारे इंतजार में कुंवारी बैठी है, तुम्हारे कानों की दीवानी टुनकी सूख का काटा हो गई है और एक तुम हो कि परिस्तान के परियों के साथ खोए हुए हो, बड़े बेशरम हो। और कहते हैं, अच्छा शाम को मिलेंगे नए साल के जश्न पर, होबो भैया। तभी हातिम कहते हैं, चलें होबो भैया। उसके बाद होबो अपने माँ बाप से भी मिलते हैं और उनकी माँ कहती हैं, इतने सालों बाद आए हो, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आई क्या? उसके बाद होबो हातिम को भी अपने माँ बाप से मिलाते हैं। उसके बाद हातिम होबो के घर में रुकते हैं और रात को वहीं पर भोजन करते हैं। उसके बाद होबो के माँ बाप से बहुत सारी बातें करते हैं। तभी ऐसे ही बातों बातों में होबो के अब्बू हातिम से पूछते हैं कि हातिम तुमने बताया नहीं कि तुम टूपा टूपा आए क्यों हो? तभी हातिम कहते हैं, दरअसल मैं दज्जाल के चौथे सवाल के जवाब हासिल करने के लिए निकला हूँ, बोलते पहाड़ को हिंदा का राज पता करने। वही दूसरी तरफ दज्जाल अपने शैतानी शक्तियों की मदद से अपनी शैतानी सेना को बुलाता है। तभी दज्जाल कहता है, हातिम चौथे सवाल हरगिज नहीं पा सकता, और कहता है, मेरे शैतानी बंदो आज तुम्हारी इंतहाम की घड़ी है, आज दज्जाल की चाल को कामयाब बनाने का वक्त है, इसलिए तैयार हो जाओ और दिखा दो इस दुनिया को, एक हातिम तो क्या कई हजार हातिम दज्जाल के रास्ते में आकर खड़े हो जाएंगे तो भी दज्जाल के मकसद को पूरा होने से नहीं रोक सकते। उसके बाद दज्जाल सफर की तैयारी करता है। वहीं दूसरी तरफ कोपा टूपा में नए साल का जश्न मनाया जा रहा होता है और सभी लोग खुशी के मारे झूम कूद और नाच रहे होते हैं। तभी उस जश्न में हातिम और होबो भी आते हैं। तभी होबो कहता है, देखा हातिम कोपा टूपा में नए साल का जश्न ऐसा होता है,
शानदार। उसके बाद वे सभी उस जश्न में सभी लोगों के साथ नाचते कूदते हैं। तभी हातिम उस जश्न में जाते हैं जहाँ पर जैस्मिन होती हैं, जो कि अपना चेहरा ढकी होती हैं। लेकिन हातिम को अभी तक पता नहीं था कि यहाँ पर जैस्मिन भी आई हैं। तभी होबो हातिम को कहीं ले जाते हैं। तभी होबो हातिम को जैस्मिन के पास लेकर जाते हैं और बताते हैं कि हातिम ये मेरे दोस्त हैं, क्योंकि जैस्मिन अपना चेहरा ढकी थी इसलिए हातिम उन्हें नहीं पहचान पा रहे थे। और होबो बताते हैं हातिम ये तुमसे मिलना चाहती हैं। तभी जैस्मिन हातिम के नए साल का मुबारकबाद देती हैं। तभी जैस्मिन पूछती हैं कि आप हमारे साथ नाचना चाहेंगे। तभी हातिम कहते हैं देखिए वो मैं, और हातिम वहाँ से जाने लगते हैं। तभी जैस्मिन हातिम का हाथ पकड़ लेती हैं। तभी हातिम जैस्मिन के साथ नाचते और गाते हैं, और जैस्मिन नाचते नाचते हातिम से बहुत सारी बातें करती हैं, लेकिन फिर भी हातिम उन्हें नहीं पहचान पाते हैं, क्योंकि जैस्मिन अभी तक हातिम को अपना चेहरा नहीं दिखाई थी। तभी हातिम जैस्मिन को छोड़कर जा रहे होते हैं और कहते हैं मुझे कुछ काम है। तभी जैस्मिन अपने चेहरे से उस नकाब को हटाती हैं और हातिम को बुलाती हैं। तभी हातिम जैसे ही पलटकर देखते हैं तो हातिम को विश्वास नहीं होता कि मैं अब तक जिससे बात कर रहा था वह कोई और नहीं बल्कि जैस्मिन ही थी। और हातिम जैस्मिन को देखकर बहुत खुश होते हैं। वहीं दूसरी तरफ दज्जाल अपने शैतानी परिंदे पर बैठकर अपने शैतानी सेना के साथ आ रहा होता है। उसके बाद हातिम जैस्मिन की तरफ आ रहे होते हैं। तभी हातिम जैस्मिन के पास पहुँचने वाले होते हैं कि अचानक दज्जाल के परिंदे जैस्मिन को उठाकर वहाँ से लेकर भागते हैं। तभी हातिम के देखते ही देखते वे परिंदे जैस्मिन को उठा ले जाते हैं।